कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ मैं और कांग्रेस का उम्मीदवार ही रहूंगा। अभी 29 तारीख आनी बाकी है। भिवंडी कांग्रेस में बगावत की आग, पार्टी में हड़कंप मच गया। बाहरी उम्मीदवार को लेकर सड़कों पर उतरे कई कार्यकर्ता। भिवंडी पश्चिम विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार की घोषणा के बाद से शहर में बवाल मच गया। थाने ग्रामीण के कांग्रेस अध्यक्ष दयानंद चौरगे को टिकट दिए जाने के खिलाफ स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कड़ा विरोध जताते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। शिवाजी चौक और दीवान शाह रोड पर रात भर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने पार्टी के इस फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ना पड़ा। सूत्रों की माने तो भिवंडी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय प्रत्याशी की मांग की थी। इसके लिए पूर्व महापौर विलास आर पाटिल, पूर्व विधायक रशीद ताहिर मोमिन, तलहा मोमिन, आसमा जव्वाद, चिखलेकर और रानी अग्रवाल जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता टिकट की कतार में थे, परंतु पार्टी द्वारा बाहरी नेता को प्रत्याशी बनाने का निर्णय कई कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा। भिवंडी कांग्रेस से पहले से ही गुटबाजी और अंदरूनी कलह के चलते खटास थी, लेकिन चौरगे के नाम की घोषणा के बाद ये संघर्ष खुलकर सामने आ गया। गुस्साए कांग्रेसी नेताओं ने यहां तक धमकी दी है कि यदि चौरगे का टिकट नहीं बदला गया तो वे चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लेंगे। स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि भिवंडी पश्चिम सीट पर बाहरी उम्मीदवार को स्वीकार नहीं करेंगे। पार्टी के लिए ये असंतोष बड़ा सिरदर्द बन सकता है और अगर जल्द इसका समाधान नहीं निकाला गया तो यह विद्रोह कांग्रेस की साख पर भारी पड़ सकता है। कर रहे कि नहीं, मतलब उनको सोच के देंगे। पूरे शहर में जबरदस्त नाराजगी है उसके कैंडिडेट पर। कल हम लोग जो है कल यहाँ पर कॉर्पोरेटर की मीटिंग लेंगे, हम जो है संगठन की मीटिंग लेंगे और उसके बाद पूरे शहर में हम घूम के शहर वालों की राय लेकर एक फैसला होगा। सबसे पहले तो मैं मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं, भिवंडी शहर के जितने भी सारे मोहल्ले के बच्चे हैं, तो मैं इनका सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पर आए और गए 2 महीने से मेहनत की, उनका मैं आभारी मानता हूँ। और कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ मैं और कांग्रेस का उम्मीदवार ही रहूँगा। अभी 29 तारीख आनी बाकी है। मैं मेरे पिताजी के आदर्श पे चलने वाला इंसान हूँ। 40 साल उन्होंने कांग्रेस की सेवा की है। कई तरीके से अगर हम मुझे बदनाम करके अगर मुझे एक टिकट कैंसिल कर दो, उससे कोई चिंता नहीं मुझे, ना मुझसे किसी के और से मुझसे कोई शिकायत है। मैं पब्लिक के बलबूते पे और पब्लिक के प्यार के ऊपर ही इलेक्शन हमेशा लड़ता हूँ। जैसे हमारा कुंभड़पाड़ा, अजय नगर, आदर्श पार्क, जिससे मैं आज 30 साल से लड़ता रहा हूँ अपक्ष, तो उन्होंने तो वहाँ पर बीजेपी और शिवसेना होते भी उन्होंने मुझे मदद की और मुझे उन्होंने हमेशा पास्ट टर्म उन्होंने चुन के दिया। मुझे अकेले नहीं, मेरी मिसेस को भी चुन के दिया, मेरे भाई को भी चुन के दिया और ये एक मेरी लाइबिलिटी है और ये लाइबिलिटी अपनी पब्लिक है और उनका जो प्यार है, इसलिए मैं कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ। कांग्रेस से हमेशा हम अभी पार्टी ज्वाइन किए हैं तो ये 29 तारीख तक जो भी इलेक्शन चलेगा वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही चलेगा। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।